तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज आपका भाई आपके लिए एक ऐसा ऐप लेके आया है जिसके थ्रू आप इजीली किसी भी इमेज के टेक्स्ट को अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं, या किसी बुक को वन क्लिक के थ्रू अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं, या अपने नोट्स को भी अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं। बस आपको सिंपली एक फ़ोटो क्लिक करना है, और जैसे ही आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आपके जो भी टेक्स्ट है या नोट्स होंगे वो आपके फ़ोन में सेव हो जाएंगे। आप चाहे तो उन्हें आगे जाके पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, या अदर डॉक्यूमेंट से ऑप्शन में भी सेव करके रख सकते हैं। गाइस, मैं जिस ऐप की बात कर रहा हूँ उस ऐप का नाम है टेक्स्ट स्कैनर। यस गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऐप है और इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आज आपका भाई आपको ये बताएगा कि आप कैसे इस ऐप को यूज़ करें। तो चलिए चलते हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। तो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और टेक्स्ट स्कैनर ऐप को डाउनलोड करना है। तो ये रहा गाइस हमारा टेक्स्ट स्कैनर ऐप, मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो गाइस, आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं, इसकी जो रेटिंग है वो 4.6 है, और जो इसकी साइज़ है गाइस वो 5.3 MB है, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। और इसे गाइस 5 मिलियन प्लस यूजर्स ने डाउनलोड किया है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऐप है गाइस, इसे यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो चलिए चलते हैं इस ऐप में और मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है। तो गाइस, ये है हमारा टेक्स्ट स्कैनर ऐप, और आपको इसे ओपन करते हैं तो डायरेक्ट जो है आपका कैमरा है गाइस वो ओपन हो जाता है। ये देखिए, तो गाइस यहाँ पे हमें फ्लैशलाइट का ऑप्शन, गैलरी का ऑप्शन, टाइमिंग का ऑप्शन, और सेटिंग में अगर जाते हैं गाइस हम इसकी, तो सेटिंग में आप देख सकते हैं प्रीमियम एडिशन, स्कैनिंग, वाइब्रेशन, वॉल्यूम की, सेव स्कैन इमेज, आप इमेज को भी सेव करके रख सकते हैं, डार्क मोड, ऑटो स्पीच ऑफ स्कैन रिजल्ट्स, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे फ़ोटो क्लिक करनी है और कैसे आप अपने टेक्स्ट को सेव करके रख सकते हैं। जैसे गाइस, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पासपोर्ट है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पासपोर्ट में जो भी लिखा है गाइस वो एज इट इज़ गाइस आपकी फ़ोन की स्क्रीन में आ जाएगा। तो सिंपली बस गाइस आपको जो है फ़ोटो क्लिक करना है। ये गाइस मैंने फ़ोटो क्लिक किया, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस इसका जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो गया है, थोड़ा टाइम ले सकता है गाइस, बट जैसे ही आप देखेंगे गाइस जो हमारी जो टेक्स्ट है गाइस इस पासपोर्ट में वो सारे के सारे गाइस इस पास आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हैं गाइस। ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा एज इट इज़ आया है गाइस। मैं आपको पढ़ के भी बता सकता हूँ, सिंपली एज इट इज़ आया है गाइस। और ये तो थे गाइस वो पासपोर्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे एक अदर नेम को भी सेव करके रख सकते हैं। तो गाइस, ये है मेरा बोया माइक का बॉक्स। ठीक है गाइस, तो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, जैसे इसके पीछे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी गाइस मेरी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगी। तो जैसे मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ गाइस, तो ये वापस से प्रोसेसिंग करेगा। हो सकता है गाइस ये थोड़ा टाइम ले ले, बट आपको वेट करना है। तो जैसे गाइस आप देखेंगे कि जो इसके फीचर्स है, स्पेसिफिकेशंस है, वो सारे के सारे गाइस आ गए हैं, ये देखिए। और सिंपली गाइस आपको सिर्फ सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको टेक्स्ट में रखना है या पीडीएफ में रखना है। तो आपकी जो इच्छा हो आप उसमें सेव करके रख सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो गाइस ये था हमारा टेक्स्ट स्कैनर ऐप। आप इसके थ्रू गाइस कोई भी डॉक्यूमेंट को अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं, और ये गाइस बहुत ही ज़्यादा ईजी लगा मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये ऐप आपके साथ शेयर करूँ। तो गाइस ये था हमारा टेस्ट स्कैनर ऐप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका भाई आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहेगा गाइस। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।